सचिन पर गंभीर आरोपों से लेकर सिद्धू को गाली तक, विनोद कांबली का रहा है विवादों से पुराना नाता। विवादों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार आरोप है कि उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट ने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अंकित तिवारी के पिता संग मारपीट की, जिसके बाद पुलिस में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। पूरा मामला रविवार को मुंबई के मॉल का है, जहां सिंगर अंकित तिवारी का परिवार मौजूद था। उसी मॉल में विनोद कांबली और उनकी पत्नी भी थीं। इस दौरान अंकित के पिता राजेंद्र कुमार अपनी पोती के साथ गेम जोन से फूड कोर्ट की तरफ आ रहे थे, तभी उनका हाथ विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया से छू गया। गुस्से में तमतमाई एंड्रिया ने अंकित तिवारी के पिता राजेंद्र कुमार को घूंसा मार दिया। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं जब विनोद कांबली या उनकी पत्नी इस तरह के विवादों में फंसी हो। इसके पहले 2015 में भी उनकी घरेलू नौकरानी ने दोनों के खिलाफ FIR करवाई थी। आरोप था कि नौकरानी सोनी ने जब विनोद कांबली और इंडिया से अपनी तनख्वाह मांगी तो दोनों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा और बाद में उसे घर से भगा दिया था। इसके पहले 2015 में कांबली ने नवजोत सिंह सिद्धू को खुलेआम गालियां देकर भी सुर्खियां बटोरी थी। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने ट्वीट कर भारतीय टीवी कार्यक्रमों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों के शामिल करने पर नाराजगी जताई थी। सिद्धू के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांबली ने उन्हें अपनी बकबक चुप करने को कहा था। साल 2009 में रियलिटी शो सच का सामना में कांबली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेदभाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद करनी चाहिए थी। खबरों के मुताबिक इस शो से कांबली को 10 लाख रुपया मिले थे। कांबली ने बाद में भी कहा, जब मुझे उसकी, सचिन की, सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने रियलिटी शो में ऐसा कहा। इसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई, यहां तक कि सचिन ने साल 2013 में अपनी फेयरवेल स्पीच में भी कांबली का जिक्र तक नहीं किया था। फिर कांबली ने सचिन से दोस्ती तोड़ने की बात कहकर सभी को हैरान कर दिया। कांबली ने आगे कहा था, मेरे लिए दूसरी दुखद बात यह रही कि सचिन ने अपनी विदाई पार्टी में टीम के सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया लेकिन मुझे नहीं। बता दें कि कांबली की पर्सनल लाइफ भी रोमांचक रही है। कांबली ने पत्नी एंड्रिया हेविट से 2 बार शादी की। उन्होंने मई 2014 में फैशन मॉडल एंड्रिया से दोबारा शादी रचाई थी। पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर पिछले साल पारंपरिक तरीके से बांद्रा के सेंट पीटर्स चर्च में कैथोलिक मैरिज। इस बार उन्होंने शादी के दौरान होने वाले सभी रीति रिवाज निभाए। इस शादी में उनका बेटा जीसस क्रिस्टियानो भी शामिल हुआ था, जिसका जन्म जून 2010 में हुआ। कांबली और एंड्रिया ने 2010 में कोर्ट मैरिज की थी। क्रिकेट, राजनीति और सिनेमा में अपनी किस्मत आजमा चुके विनोद कांबली की दूसरी पत्नी एंड्रिया उनकी तरह ही काफी स्टाइलिश है। शादी से पहले एंड्रिया मॉडल भी रह चुकी हैं। 2006 में उन्होंने विनोद कांबली से शादी की। गौरतलब है कि कांबली की पहली पत्नी नोएला भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दोनों का रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ था।